विक्रमजीत सिंह मजीठिया ते FIR दर्ज की गई है, उसके बारे मैं आप जी दस देना चाहता है कि पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल की सरकार ते BJP की सरकार के समय दे विच जिस तरीके नाल नशे फैले, जिस तरीके दे नाल साडे नौजवान ना दिया जिंदगियां दे नाल खिलवाड़ होया, मावां दिया भुखां रुलियां ते पंजाब नू उड़ता पंजाब तक दे मेहने सहने पए, उहदे विच बहुत ही सानू मुसीबत एक किस्म दियां पंजाब ते पै गईयां कि पंजाब की अर्थव्यवस्था बिगड़ लग गई, पंजाब का नौजवान खराब होने लग गया, नौजवानी गल गई, जिदे करके लोगों के रोस और उस समय के जेडे लोगों ने तस्करी की उन्होंने कार्रवाइया नहीं हुई। मैं ते साड़ी कैबिनेट पंजाब सरकार ने एदे ते एक्शन लेना शुरू किया है, लेकिन कोर्टा के राही जेडी कार्रवाई है वह हो रही है। सब तो पहला तो मैं अपने आप नूं कन्विंस करिया कि किसे ते भी कोई नजायज ना होवे, इसलिए पहला मैं अपने आप नूं पुछिया ते अपने अफसरां नूं पुछिया, अपने आप नूं इस गल ते लेके आया मैं हर गल का पता करके कि क्या ऐसी जो कर रहे हो सही है कि नहीं, क्योंकि आखिर नूं हर किसे ने अपने इखलाक नाल भुड़ना हुंदा है, आखिर नूं हर किसे ने अपनी जमीर दे नाल चलना हुंदा है। इस करके पहला मैं पता कीता कि असलियत क्या है। जब मैं आप कन्विंस हो गया कि वाकई इन्हां लोकां दी इनवॉल्वमेंट रही है, इन्हां लोकां ने पंजाब दे विच नशे फैलाए है, इन्हां ने पंजाब दे विच इह सारा कुछ कीता है, पंजाब दी जवानी दा घाण कीता है, तां असीं इस मसले नूं चुक्किया, तां असीं इस मसले ते अगे वधे है। पहला अपनी जमीर की आवाज सुनी है, पहला अपने आप नूं कन्विंस कीता है कि वाकई ये लोग जिहड़े है जिम्मेवार है पंजाब नूं बदनाम करन लई ते पंजाब दी नौजवानी गाड़न लई। उस तो बाद ही असीं इस रास्ते ते अगे तुरे है। तो ये कोई केस कांग्रेस पार्टी दा जां कांग्रेस सरकार दा बनाया होया नहीं है, एक केस 2013 दे विच प्रकाश सिंह बादल ते BJP दी सरकार दे समय उजागर होया है। 6,000 करोड़ रुपये दा ड्रग माफिया ते ड्रग स्कैंडल फड़िया गया है 2013 दे विच, भोला ते होर बंदे एदे विच मुलजिम बने हैं, ते उसे समय पंजाब पुलिस दे विच एक जिमनी लिखी गई है। जिमनी एक डाकूमेंट हुंदा है पंजाबी च, उहनूं जिमनी कहिंदे है, जिहड़ा कि दोषी दे खिलाफ लिखिया जांदा है केसां दे विच। उहदे विच विक्रमजीत सिंह मजीठिए नूं जिमनी दे विच इहदा नाम आया है कि इह वी इहनां गल्लां दे विच इनवॉल्व है। उस तो अगे गल वधी है, फिर भोला नाम दा जिहड़ा इहदे विच तस्कर मन्निया गया, जिहदे खिलाफ केस चल रहे है, जिहड़ा जेल विच है, उसने लाइव होके मोहाली कोर्ट दे विच प्रेस नूं बयान दिता कि इहदे विच सारा कुछ करता धरता जिहड़ा है वह विक्रमजीत सिंह मजीठिया है। गल इत्थे रुकी नहीं है, उस तो बाद ED कोल मजीठिया दा रोल सामने आया। ED ने पूरे विस्तार दे विच इन्हां दे रोल नूं दर्शाया ते इन्हां नूं बार बार बुला के सारी रिपोर्टां लईयां गईयां ते ED ने भी इन्हां नूं दोषी पाया। उस तो बाद इह गल इत्थे भी नहीं रुकी, कोर्ट दे विच नवकिरण सिंह जिहड़े ह्यूमन राइट्स वास्ते लड़दे है उन्होंने कोर्ट दे विच केस पाया कि जी ED कोल विक्रमजीत सिंह मजीठिया दा नाम आया है, पंजाब दी पुलिस कोल विक्रमजीत सिंह मजीठिया दा नाम आया है, ये अकाली दल दे टाइम होया, अकाली दल BJP दी सरकार दे टाइम होया,
कि फिर सरकार इहदे ते कारवाई क्यों नहीं कर रही। इहदे उत्ते इह सत्ता पिंडी होर सारे फरार होए दे विच जिहड़े कि इहदे अपने बंदे जिहड़े इहदे घर रहिंदे रहे जिहदी जिहनूं इहनां ने सिक्योरिटियां प्रोवाइड करियां अपनियां जिप्सियां दित्तियां अपने घर रखे वो लोग अज फरार है उन्हां नूं फड़िया नहीं गया। ते नवकिरण सिंह दी जिहड़ी कोर्ट विच उन्होंने केस पाया उहदे उत्ते एसटीएफ पंजाब नूं एक रिपोर्ट देने वास्ते कहा गया। ये कोर्ट दे मसले है कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है उहदे विच्चे हाई कोर्ट दे कहण ते एसटीएफ पंजाब ने सिद्धू जी दे एडीजीपी है इंचार्ज है उन्होंने एक रिपोर्ट दिती कि जी आ रिपोर्ट है हाई कोर्ट दे विच सबमिट कराती। उस यह 2017 की गल है अज की गल नहीं है अकाली दल की सरकार दे विच पहला सारा कुछ होया उस तो बाद 2017 च हाई कोर्ट ने रिपोर्ट ली हाई कोर्ट दे विच रिपोर्ट गई उस तो बाद अज तक साड़ी पिछली सरकार कैप्टन साहब हुरां ने साडे एडवोकेट जनरल ने इस दी सही पैरवाई ना करके रिपोर्ट नूं खलवाया नहीं लागू नहीं कराया। हुण जदों सरकार बदली साडे वकीलां ने पैरवाई कीती तां हाई कोर्ट ने कहा कि तुहानूं कोई रोक नहीं है तुसीं कारवाई कर सकदे हो। हाई कोर्ट ने कोर्ट दे विच आर्डर कीते है हाई कोर्ट दे कहण ते ए एसटीएफ दी रिपोर्ट जिहड़ी खोली गई है जब खोल के देखिया तां उहदे च भंडारा जिहड़ा उह बिक्रमजीत सिंह मजीठिए दे खिलाफ है। रिपोर्ट दे विच कहा गया है मेरी रिपोर्ट नहीं है हाई कोर्ट दी रिपोर्ट है कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया दे खिलाफ एनफ एविडेंस है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। उही रिपोर्ट टोटल ऐसी एफआईआर दे विच कन्वर्ट करके परचा दर्ज किया है उसकी कार्रवाई अगे चल रही है। यह लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है इहदे विच बड़े मगरमच्छ है ते बड़ियां ताकतां है बड़ियां ताकतां दे सामने सानू अपने आप नूं तगड़ा करके चट्टान वांगू खड़ना पै रहा है क्योंकि सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी गल्लां करनियां बहुत सुखालियां ने जिन्हां इह सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां घालियां ने। जे उधम सिंह जी साडे वास्ते कुर्बानियां कर सकदे जे सानूं भगत सिंह जी एक रास्ता दिखा के जा सकदे तां साडा फर्ज बनदा है कि असीं देश विरोधी समाज विरोधी ताकतां दे खिलाफ तकड़े होके खड़ीए। मैं गरीब परिवार चो पैदा होया लेकिन ना मैनूं पैसे दी लोड़ है ना मैनूं ताकत दी भुख है सिर्फ ते सिर्फ जे इस लड़ाई विच कुदे है तां पंजाब दी जवानी वास्ते कुदे है जे इस लड़ाई दे विच कुदे है तां पंजाब दी मावां दी कुखां वास्ते कुदे है जे इस लड़ाई च कुदे है तां समाज दे सुधार विच वास्ते कुदे है। सानू कोई परवाह नहीं है कोई खतरा आने वाले दिनों दे विच सानू अपने इरादियां तों रोक नहीं सकदा। मैं अपने उन्हां नौजवानां नूं बहुत पसंद करदा जिहड़े फोटो भगत सिंह दी लगा के रखदे क्योंकि उन्हां च कोई खोट नहीं हुंदी। मैं उस भगत सिंह तों इंस्पीरेशन ले रहा क्योंकि साडा फर्ज बणदा जिहड़ा साडियां पिछलियां सरकारां ने नहीं कीता क्योंकि उहदे अपने रिश्तेदार होम मिनिस्टर सी उहदा अपना रिश्तेदार मुख्यमंत्री सी इस करके उन्होंने इस बंदे ते कार्रवाई नहीं की। अजिहे एक नहीं होर भी निकलणगे अपने रिश्तेदार नूं बचाया गया है सरपरस्ती दित्ती गई है ते अज पंजाब इन्हां ने बदनाम किया सी उस गल नूं अगे लेके आना है अगे नूं वो लोग जिहड़े पंजाब दे विच अजे भी नशिया की तस्करी करते उन्हां नूं भी एक सबकर उस सिखाना है जिहड़े नशे करते है थोड़े थोड़े बच्चों नूं लगाता जिन्हां दी जवानियां गालतियां उन्हां नूं फड़ के अंदर दई जांदे है असीं उन्हां उहदा नहीं तां मजबूरी बड़ी भी है कि जे वो नशा करना पै रहा उन्हां नूं क्योंकि उन्हां दी लत लग गई है शरीर नूं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ